दृश्यम पार्ट टू के सीन्स कहीं हमें बाउंसर ना चले जाए, इसलिए पार्ट वन को रिवाइज कर लेते हैं। विजय सारगांवकर चौथी फेल है, लेकिन मस्त चार जन की इनकी फैमिली है। बड़ी बेटी का नाम अंजू, छोटी का नाम अनु और नंदिनी वाइफ। कहानी शुरू होती है समीर नाम के एक लड़के से जो अंजू का क्लासमेट है। इनकी ट्रिप जाती है, हरामी लड़का रहता है, बाथरूम में नहा रही है, उसकी वीडियो निकाल लेता है और उसमें इसका दोस्त भी मिला हुआ है। ये दोस्त आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। समीर अंजू को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि मैं रात को आऊंगा और मुझे जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो पूरी स्कूल में ये वीडियो फैला देगा। और अंजू टेंशन में, अंधेरा हो चुका है, बारिश चल रही है, घर में सिर्फ माँ और बेटी है। समीर अंजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, ये पीछे से आके रॉड मार देती है, मर गया भाई। घर के पीछे उस गार्डन में उस लाश को दफना देता। अब जब विजय घर आता है तो उसे ये सारी बातें पता चलती है। वो एक प्लान बनाता है कि कैसे इससे हम बच सकते हैं और पूरी फैमिली को पहले से ही तैयार कर देता है कि हमें अगर कुछ पूछा तो क्या बोलना है। अब विजय समीर की येलो गाड़ी लेकर उसे ठिकाने लगाने के लिए निकलता है और यहाँ पर गाय तोंडे उसे देख लेता है, जिसके साथ इसका 36 का आंकड़ा है। पुलिस के साथ कभी 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, आगे बताता हूँ क्यों। फिर चालू होती है इन्वेस्टिगेशन। आईजी मीरा देशमुख जो समीर की माँ है, सबसे पहला क्लू मिलता है गाय तोंडे की तरफ से। देखा था गाड़ी लेके जाते हुए। मर्डर के दूसरे दिन सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश में लग जाता है। बस का टिकट निकालता है, समीर का मोबाइल गायब करता है, एटीएम से पैसे निकालता है, एटीएम के सीसीटीवी को देख के स्माइल देता है, लेकिन फैमिली को कुछ नहीं पता था। वो बोलता है मैं जो बोलेगा वैसा करने। और फिर नेक्स्ट डे पूरी फैमिली को पंजी लेके जाता है स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। और फिर ये लोग सबसे क्लोजली फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सब इंटरोगेशन के वक्त काम आने वाले हैं। दूसरी ओर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मीरा मैडम का दिमाग खराब हो जाता है, मेरा इकलौता बेटा गया किधर। समीर का दोस्त वो मीरा मैडम को बता देता है कि भाई आपका बेटा बहुत हरामी है, उसने एक वीडियो निकाला था, उसी चक्कर में कुछ हुआ होगा। मीरा मैडम कानून को अपने हाथ में लेती है, पूरी फैमिली को रिमांड में लेती है। गाय तोंडे विजय को बोलता है आली रे आली आता तुझी बारी आली। मीरा मैडम का मानना है जब सबूत नहीं मिलते तो कन्फेशन ही इकलौता उपाय है। गाय तोंडे बोलता है मैं निकलवा के देगा और जो सूटता है एक फिर शुरू करता है विजय से, फिर उसकी वाइफ और उसकी बड़ी बेटी। और जैसे ही वो उसकी छोटी बेटी की तरफ बढ़ता है, भाई इससे नहीं रहा जाता, मेरे से नहीं रहा जा रहा था उस वक्त, ये बोल देती है। समीर की लाश हमारे घर के पीछे गार्डन में दफनाई है। अब ये पूरी फैमिली को लेकर निकलते हैं, पूरा गोवा स्टेट वहां पे पहुंच जाता है। गार्डन खोद खोद के निकालते हैं तो उधर से निकलता है कुत्ते की लाश और फिर पब्लिक सब लोग भड़क जाते हैं गाय तोंडे के ऊपर, तेरी माँ का तू हाथ कैसा लगाया। लेकिन पूरी ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल उठता है कि लाश गई किधर भाई। चौथी फेल विजय सारगांवकर आईजी मीरा देशमुख के साथ गेम कर गया। गाय तोंडे सस्पेंड हो जाता है, मीरा मैडम रिजाइन कर देती है और फिर हाथ जोड़ के विजय से पूछती है कि भाई क्या है बता दे, जिंदा है मर गया। विजय भी शाना है, क्लियरली नहीं लेकिन स्टोरी के तौर बता देता है कि वो मर गया। अब ये मिसिंग केस है या मर्डर केस है कोई कंक्लूजन तो निकला ही नहीं। विजय जो अभी भी सस्पेक्ट है उसे पुलिस स्टेशन रेगुलर जाना है साइन करने के लिए। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है कैमरा जूम आउट होता है, हमें दिखाई देता है कि लाश उस पुलिस स्टेशन के नीचे दफन है। क्योंकि 2 और 3 अक्टूबर को जब ये कांड हुआ उस टाइम पे नया नया पुलिस स्टेशन बन रहा था, विजय ने लाश को गार्डन में से निकाल के पुलिस स्टेशन के नीचे दफना दिया। मैं इतना शॉक्ड हो गया था उस वक्त। पार्ट 2 के ट्रेलर में हमने देखा कि लाश बाहर निकल चुकी है और विजय सारगांवकर कन्फेशन दे रहा है एक वीडियो में। क्या चौथी फेल विजय सारगांवकर इतनी आसानी से हार मानेगा, जेल जाएगा या बच निकलेगा? बच निकलेगा तो कैसे निकलेगा? मर्डर केस रीओपन होगा, फ्राइडे को रिव्यू करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।